अक्सर वो ही लोग अपने सपने पूरे कर पाते हैं जो खुली आंखों से सपने देखते हैं और बिना दिन और रात देखे हुए अपने सपनों के पीछे पड़ जाते हैं और वो तब तक नहीं रुकते जब तक उनका सपना पूरा न हो जाए। दोस्तों, भारत की टीम में लगातार बदलाव तो होते रहते हैं, जिनमें कुछ नए सामने आते हैं तो कुछ पुराने खिलाड़ी पीछे हटते चले जाते हैं। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे खिलाड़ी भी सामने आए हैं जिनकी बॉलिंग या बैटिंग का तरीका ही अलग है। उनमें से एक नाम है कुलदीप यादव, जिनकी बॉलिंग स्टाइल न केवल नई है बल्कि टीम के लिए बहुत जरूरी भी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर कुलदीप यादव के बारे में, इनके लाइफस्टाइल, एज, एजुकेशन, करियर, बायोग्राफी, नेटवर्क, कार कलेक्शन एंड फैमिली के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कर दे लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। कुलदीप यादव का जन्म 14 दिसंबर 1994 को कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ और 2020 के हिसाब से 26 साल के हैं और इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई करम देवी मेमोरियल एकेडमी वर्ल्ड स्कूल कानपुर से की। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, कुलदीप यादव कानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और इनके पिता एक बिजनेसमैन हैं और कुलदीप यादव ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि इनके पिता चाहते थे कि ये एक क्रिकेटर बने, जिसके बाद ये कोच कपिल पांडे से ट्रेनिंग लेने लगे और जहीर खान और वसीम अकरम से कुलदीप यादव बहुत इंस्पायर होते हैं और जब इन्होंने क्रिकेट स्टार्ट किया था तब ये शेन वॉन की वीडियोस देखते थे और शेन वॉन को अपना रोल मॉडल मानते थे। इनकी लाइफ में बहुत दिक्कतें आई और इन्होंने कहा भी था, जब इनका सिलेक्शन अंडर 15 में नहीं हुआ तब इन्होंने सुसाइड करने का भी सोचा, बट कुलदीप यादव ने हिम्मत से काम लिया। अब बात करते हैं कुलदीप यादव के करियर के बारे में। कुलदीप ने अपने करियर की शुरुआत में बहुत दिक्कतों का सामना करा, बट इनके करियर का टर्निंग पॉइंट तब आया जब 2012 का आईपीएल में इनको मुंबई इंडियंस ने खरीदा और मुंबई इंडियंस ने इन्हें खेलने का मौका दिया और इसके दो साल बाद यानी 2014 में केकेआर ने कुलदीप यादव को खरीद लिया और अब तक केकेआर के लिए ही खेलते हैं। दोस्तों, एक फैक्ट बात यह है कि कुलदीप यादव को केकेआर ने 2018 में 5,80,00,000 रुपए में खरीदा था। बात करें इनके इंटरनेशनल करियर के बारे में तो इनको 2014 में इंडिया क्रिकेट टीम में सेलेक्ट कर लिया टेस्ट मैच के लिए, बट इन्हें इन मैच में खेलने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिला। बट इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू 25 मार्च 2017 को किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिसमें इन्होंने पहली इनिंग में 4 विकेट ले लिए। और कुलदीप यादव पहले ऐसे इंडिया के बॉलर हैं जो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन बॉलिंग करते हैं। और दोस्तों, इन्होंने अपना ओडीआई डेब्यू 23 जून 2017 को किया वेस्ट इंडीज के खिलाफ और कुलदीप चेतन शर्मा और कपिल देव के बाद ऐसे तीसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने ओडीआई डेब्यू में हैट्रिक विकेट लिए हैं। और बात करें इनके T20 के बारे में तो इन्होंने T20 डेब्यू 9 जुलाई 2017 को किया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कुलदीप यादव आपको कैसे लगते हैं। चलिए मिलवाते हैं आपको कुलदीप यादव की फैमिली से। तो इनके फादर का नाम है राम सिंह यादव और इनकी मदर का नाम है उषा यादव और इनके 3 बहनें भी हैं जिनका नाम है अनीता यादव, अनुष्का यादव और मधु यादव। और बात करें इनकी गर्लफ्रेंड के बारे में तो मैं आपको बता दूं, कुलदीप यादव अभी सिंगल हैं, ये किसी को भी डेट नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं कुलदीप यादव के हाउस के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कुलदीप यादव अपनी फैमिली के साथ कानपुर उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जैसे कि आप इन पिक्चरों में इनका घर देख सकते हैं। बात करें इनके कार्स कलेक्शन के बारे में तो इनके पास कार है फोर्ड इको स्पोर्ट, जिसकी कीमत है 10,00,000 रुपये और इसके अलावा इनके कार कलेक्शन में और भी लग्जरी कार हैं। बात करें इनके इनकम के बारे में तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इनको टेस्ट मैच खेलने के लिए मिलते हैं 12,00,000 रुपये और वहीं इन्हें ओडीआई खेलने के लिए मिलता है 6,00,000 रुपये और इसके अलावा T20 मैच खेलने के लिए इनको मिलता है 3,00,000 रुपये और ये महीने के 40,00,000 रुपये से ज़्यादा कमा लेते हैं और ये एक ब्रांड को इंडोर्स करने के लिए लेते हैं लगभग 1 करोड़ रुपये। अब बात करते हैं इनके नेटवर्थ के बारे में। तो दोस्तों, इनका नेटवर्थ है 25 करोड़ रुपए। तो ये थी कुलदीप यादव की लाइफस्टाइल वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना नेक्स्ट वीडियो की सेलिब्रिटी के बारे में चाहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।